So what's up everyone, Alistair here, welcome back to another video of all the mod 6 to the sky. Yaad ki modded sky blog work kar raha hu basically jo last time bhi kar raha tha main video mein aur bada ho gaya tree, yeah pura ka pura bada ho gaya hai. To last time hum logo ne मैनुअल वाला कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया था. ये जस्ट एक नया प्लेटफॉर्म है और हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, इतना कुछ नया जो है मैंने बनाया नहीं है. बेसिकली ऑफ कैमरा मैंने कुछ काम नहीं किया है, बट एक नई चीज़ जो है वो आई है, वो है फ्री फायर मैक्स लॉन्च हुआ है बेसिकली. तो बुया पे जो है इवेंट चल रहा है फ्री फायर मैक्स वॉच क्लिप्स टू विन, जहाँ पे तुम लोग क्लिप्स देख के जो है बेसिकली जीत सकते हो, बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला, प्राइजेस किसको पसंद नहीं है यार, मुझे भी पसंद है. तो 15 मिनट तुम लोगों को क्लिप देखने हैं जैसे तुम लोग अभी वीडियो देख रहे हो, और जीत सकते हो तुम लोग प्राइजेस. जाओ चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है. तो चलो आते हैं अभी हम लोग हमारे वीडियो पर, बिकॉज अभी हम लोगों को नई चीज़ें करनी है. वो है ऑटोमेटिकली कॉबल स्टोन जनरेटर जो है वो अभी बनाना है. एंड ये एरिया जो है इसका यूज़ करना है जो है स्टोरेज एरिया, और थोड़े से टॉर्चेस ज़्यादा दिख रहे हैं बिकॉज वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ हुई है, वो है ये. ओके, रात थी, वीडियो स्टार्ट करना था, और उसके पहले एक मॉब यहाँ पे स्पॉन हुआ है जिसने मुझे कुछ दिया है, वूट. व्हाट द हेक, सोना अच्छा रहेगा. तो बेसिकली मुझे, मैं फेस नहीं दिखा सकता उसका बिकॉज यार रिकॉर्डिंग मेरी चालू नहीं थी. तो कोई बात नहीं है, अभी चालू करना पड़ेगा बिकॉज या मेरे इन्वेंटरी देखो, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल रहेगी. तो स्टोरेज बनाना है मुझे. ओके, 5 चेस्ट अभी के लिए मैंने बनाए हैं, एंड जस्ट मैं यहाँ पे ऐसे रैंडमली प्लेस कर देता हूँ. ये क्या हो रहा है, अभी नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है. बट यहाँ पे वुड और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसे डाल के मैं अलग अलग कर लेता हूँ, थोड़ा सा करना इंपॉर्टेंट है वो कर लेता हूँ, थोड़ा 2 मिनट रुको. ओके, इन्वेंट्री हो गई है कंप्लीट, पूरा अभी जो है सेटअप किया है, आप देख लो तुम लोगों को पता चल जाएगा, बट अलग अलग रखा है मैंने. तो चलो अभी आप मेन काम पे आना है, वो है ये सेविंग और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसमें से बहुत सारी मुझे चीज़ें एक्चुअली पता चली है, वो एक एक करके मैं बता देता हूँ. तो ये आ गया हमारा क्राफ्टिंग टेबल, बट क्राफ्टिंग टेबल को जो है हम लोग अगर यहाँ पर प्लेस करते हैं तो ओके क्राफ्टिंग स्टेशन बनेगा. और रेडिट पर मैंने थोड़ा सा चेक किया है, तो ये जो है क्राफ्टिंग टेबल ये ज़रा ज़्यादा ही ओपी है, रीज़न तुम लोगों को बता देता हूँ. तो मैं एक एक करके अलग अलग चेस जो है यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है. और अगर मैं क्राफ्टिंग टेबल अभी एक्सेस करता हूँ तो लेफ्ट में तुम लोग चेक कर सकते हो, अलग अलग 4 चेस की इन्वेंट्री जो है वो डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकता हूँ. अगर मैंने यहाँ पर रखा है वुड, यहाँ पर रखा है ग्रेवल, यहाँ पर रखा है चारकोल, तो ये देखो, तो जो भी मुझे कुछ चीज़ बनानी है वो डायरेक्टली मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, विच इज़ एक्चुअली गुड. तो ये चेस फिर से निकाल के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, थोड़ा सा फिर से टाइम दे दो मुझे. ओके, फाइनली रेडी हो गया है, ये कुछ अलग दिख रहा है, मैंने पहले नीचे रखा था बट अभी मैंने चेस्ट के ऊपर रखा है, और लगभग 1 2 3 4 5 चेस्ट कनेक्टेड है. बट और एक मैं कर सकता हूँ जो ये है, मुझे पता नहीं इसकी ज़रूरत है या नहीं है, बट अभी 6 चेस्ट जो है वो एक ही मेरे क्राफ्टिंग टेबल में कनेक्टेड है. तो क्राफ्टिंग स्टेशन अभी हमारा हो गया है रेडी, अभी हम लोग आते हैं सेविंग पे, बिकॉज सेव करके मुझे बहुत सारे और जो है वो कलेक्ट करने हैं जो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी चीज़ जो है वो मैंने डिस्कवर कर ली है ये यूज़ करके, कि सारा का सारा सामान कौन से चेस्ट में है वो मैं ढूंढ सकता हूँ. तो अगर मेरे ये चेस्ट में स्टिक्स है, मुझे चाहिए स्टिक्स, तो ये देखो या तो मुझे ऐसे बताएगा डायरेक्टली वाई बटन अगर मैं होवर करता हूँ तो, कि भाई यहाँ पर है तो निकाल ले. डन, फाइनली समझ में आया तुम लोगों को, तो इसको बना देते हैं कॉबल स्टोन में. और एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग बनाएंगे यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा काम की थी, वो है वॉन्ड. मुझे लास्ट टाइम पता नहीं था ये चीज़ के बारे में, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो ज़्यादा ही वॉन्ड के जैसे ये भी काम करती है. ऐसे जो है मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ कॉपी पेस्ट करने के लिए, जिसके वजह से मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा. तो ये एक वॉन्ड अच्छी चीज़ मुझे लगी है, एंड अभी के लिए तो सेविंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट नॉर्मल सीव यूज़ करने से अच्छा अभी मैं सोच रहा हूँ कि अलग वाली जो है हम लोग अपग्रेडेड सीव वो बना लेते हैं, जो है ये हैवी ओक सीव. तो यार बनाना ईजी है बिकॉज क्राफ्टिंग टेबल में सारी की सारी चीज़ ही जो है लेने वाला. मेरा दिमाग इतना अच्छे कैसे चलता है मुझे समझ में नहीं आता. यहाँ पर रख सकते हैं हमारी मेन सीव, एंड यहाँ पे डाल सकते हैं बाकी के सीव की. अभी एक्चुअली हम भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है बिकॉज ये हैवी सीव जो है वो अकेले काम करने वाली है. तो हैवी सीव बन गई है, उसके लिए अभी हम लोगों को ज़रूरत है
वही है ग्रेवल की, तो ग्रेवल को ले लेते हैं एक बार, एंड के बटन क्लिक करने के बाद वो जो है चीज़ें होने वाली है कॉम्प्रेस। तो या मेरे पास अभी कॉम्प्रेस 16 है, तो इसका एक्चुअली अच्छा यूज़ है कि डायरेक्टली एक ही अगर मैं कॉम्प्रेस करता हूँ तो इतने सारे चीज़ें जो वो एक साथ आने वाली है। फिर भी हम लोग बना लेते हैं, एक्स्ट्रा सीव बना लेते हैं, क्योंकि क्यों नहीं यार, फास्ट फास्ट काम होने वाला है हमारा। और एक मेश आ गया हमारे पास, अभी हमारे पास दो दो मेशेस है। एंड वाट, वाओ, तो ये दोनों एक साथ काम नहीं करते, तो मैंने बनाए क्यों है भाई, नाइस वन। चलो तो रिसोर्सेस तो हो गए जितने थे हमारे पास, जिसमें से हम लोगों को ज़रूरत है आयरन ओर की, बिकॉज नेक्स्ट मैच पे हम लोगों को जाना है। पहले वे कॉम्प्रेस स्टोन हैमर जो है वो भी बना लेता हूँ, अच्छा रहेगा। और ये बन गया कॉम्प्रेस्ड, तो और एक क्वेस्ट हमारी हो गई है कंप्लीट, जिसके वजह से हमें डार्क ओक सैपलिंग मिला है, एक डार्क ओक, अच्छा चार डार्क ओक सैपलिंग है। या हो गए कंप्लीट, टोटल अभी हमारे पास छः है, छः और चंक्स है जिसका हम लोग यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पे आयरन इंगट तो आ जाएंगे, तो आयरन मेश जो है वो भी हमारी होने वाली है अनलॉक। ओके आयरन मेश भी हो गई है हमारी कंप्लीट, तो यहाँ पे लगेगी इसको निकालना ही अच्छा रहेगा। तो आज का एम जो है वो है यहाँ पे कॉबल जेम जो है वो बनाना है, बिकॉज वो बनने के बाद ऑटोमेटिक कॉबल स्टोन जो है वो आने वाला है, जो ग्राइंडिंग जो है वो थोड़ा सा तो हमारा कम करने वाला है, आगे जाके बहुत ग्राइंड है। बट चलो काम पे आता हूँ मैं, एंड या ये करता हूँ सो दैट ये देखो वही मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सारे के सारे इन्वेंट्री भी भर गई है। तो चलो कर लेता हूँ फटफट से ये पूरी सेविंग जो है वो कर लेता हूँ, एंड तुम लोगों के साथ मिलता हूँ जब हमारे पास इतने इनफ आ जाएंगे रिसोर्सेज की नेक्स्ट मैच जो है वो मैं बना सकता हूँ। लेट्स गो। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली आ गया है डायमंड, फाइनली डायमंड्स आ गए, बट ऐसे ही हमें और 5 डायमंड चाहिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट मैच में मैं जा सकता हूँ। ए भगवान, चलो बैक टू ग्राइंड। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है, मुझे पता नहीं क्यों मेरी आँखें मतलब ख़राब है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं है, बट मुझे जो है डायमंड मैच की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सैंड। ओके सैंड को भी आगे हम लोग जो है हैमर यूज़ कर सकते हैं, ये मुझे पता नहीं था। तो बैरल बना लेते हैं, उसके बाद क्रूसिबल बना सकते हैं। ओके तो ओक का बैरल आ गया हमारे पास, रखेंगे यही पे और एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, थोड़ा रुको बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो रहे हैं अभी से, हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म है। एंड इसके बदले हमें मिलने वाला है बोन मिल, तो भाई अच्छा खासा बोन मिल मिला है जो अभी हम लोग सेव करने वाले हैं। ये बोन मिल मुझे यूज नहीं करना है, बट सैंड बनाना है, और सैंड के आगे भी कुछ बन रहा है वो हम लोग चेक करने वाले, तो चलो वो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं काम सैंड। ओके ये देखते हैं, मुझे समझ में आया कि सैंड है, बट सैंड को भी आगे ऐसे दिखाया है कि हम लोग इसे हैमर कर सकते हैं, जो बना है डस्ट। वो ओके बट ये चीज़ हमारी कंप्लीट क्यों नहीं हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कंप्लीट तो किया है बट स्टिल ये शो नहीं कर रहा है कि हम लोगों ने ऐसे कुछ चीज़ बनाई है। ओके भाई तो सारे के सारे क्वेस्ट डिलीट करने के बाद फाइनली अभी मेरी वो क्वेस्ट जो है वो होने वाली है कंप्लीट, और हमें क्या मिला है उसके बदले 16 डर्ट। ये 16 डर्ट के लिए मैंने मेरे सारे के सारे इन्वेंटरी जो है वो पूरी खाली करके रखी क्वेस्ट की। ओके डस्ट डेविल पेडस्टल, और उसके बाद एक रैंडम गिफ्ट ओक सैपलिंग फिर से मिली है, बहुत बहुत थैंक यू, पर हमारे पास ओक सैपलिंग बहुत पहले से ही है, और अभी हम लोग बना सकते हैं क्रूसिबल। तो ये पेडेस्टल क्या चीज़ है एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे लगा देते हैं। नई लोकेशन हम लोग जो है वो यूज़ करने वाले हैं, है क्या बढ़िया। ओके ये ब्लॉक कौन सा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी टाइम आता है क्रूसिबल बनाने का, फायर्ड क्रूसिबल है जो मिलेगा हमें अनफायर्ड क्रूसिबल से, और अनफायर्ड क्रूसिबल जो है बनेगा पोर्सिलिन क्ले चाहिए हम लोगों को, और उसके लिए चाहिए हम लोगों को क्ले बॉल, और क्ले बॉल हम लोगों को मिलने वाला है क्ले से, और क्ले हम लोगों को मिलने वाला है ए भगवान डस्ट को पानी में डालने के बाद हम लोगों को क्ले मिलने वाला है। बाय द वे वाटर जो है वो हम लोग लीव्स डाल के फायर क्रूसिबल में बना सकते हैं, बट साथ में ये क्रूसिबल में भी बना सकते हैं, तो क्रूसिबल जो है वो एक बार देख लेते हैं। तो या ओक का बना सकते हैं क्रूसिबल, फट से बना देते हैं यहाँ पे। ओके तो शेयर्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज लीव्स चाहिए हम लोगों को ऑब्वियसली। अच्छे खासे लीव्स आ गए हैं, एंड इसको फिलअप कर सकते हैं।
और इसमें धीरे धीरे करके अभी पानी बन रहा है, यस वाटर बन रहा है। और एक्स्ट्रा आयन से बकेट, इसमें हम लोग बेसिकली पानी लेने वाले हैं। बाय द वे सिर्फ एक वाटर ही बनाएंगे बिकॉज उसके बाद इनफाइनाइट वाटर बनाएंगे ये दो वाटर का यूज करके, इसलिए और एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना देता हूँ फट से। चलो ओके, तो प्लेटफॉर्म तो बन गया है बट हमारा पानी अभी तक बना नहीं है। आई होप जल्दी से बन जाएगा यार पानी। और तब तक ये जो है ये सारे के सारे चीज़ें लेके जाता हूँ मैं हमारे नए वाले प्लेटफॉर्म पे। गलती से भी मुझे अलग बटन दबाना नहीं, अदरवाइज ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म में खा जाऊंगा। बाय द वे फर्नेस के लिए अलग से कुछ है या नहीं है? फर्नेस भी नए नए फर्नेस है यहाँ पे अवेलेबल, आर यू किडिंग मी? बना नहीं सकते, नेक्स्ट इसमें हम लोग चेक करेंगे बिकॉज उतने रिसोर्सेस अभी हमारे पास है नहीं है। क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेस? और यह आयन फर्नेस यूज क्या है पता नहीं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग डाल सकते हैं जो मैंने अभी तक देखी है नहीं। तो ये फर्नेस का कुछ यूज़ पता चला तो मुझे बोल देना, ठीक है? और ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पानी का सोर्स जहाँ पे पानी जो है इनफाइनाइट हमें मिलते रहेगा। ओके, तो हर टाइम के जैसे रिकॉर्ड का बटन प्रेस करना भूल गया हूँ, तो मेन बता देता हूँ वाटर, फाइनली वाटर हमारे पास आ गया है इनफाइनाइट सोर्स। हाउ? तो ये देखो यहाँ पे 1000 पॉइंट्स आने के बाद मैंने वाटर बकेट बनाई जो मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है? तो अभी हमारे पास इनफाइनाइट वाटर सोर्स है एंड क्रूसिबल जो है वो भी बना दिया है। कैसे तुम लोगों को पता है? यहाँ पे मैंने डाला वो वही वाटर मैंने यहाँ पे डाला है, दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है? और उसमें मैंने ये डस्ट डाला तो उससे जो है हमारे पास आ गया था पोर्सेलिन, पोर्सेलिन से मैंने बनाया ये क्रूसिबल और ये क्रूसिबल को मैंने यहाँ पे गर्म किया है, ठीक है? रिकॉर्ड का बटन प्रेस करना भूल गया, मुझे लगा कि मैं इतनी सारी बकबक जो कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है, बट ना कोई बात नहीं है। तो बेसिकली क्रूसिबल को अभी हीटअप करने के लिए मुझे चाहिए यूरेनियम जो हमारे पास फाइनली आ गए हैं, यूरेनियम इंगट जो हम लोगों ने यहाँ से कलेक्ट किया है, ठीक है? यहाँ से मिलते हैं, मैंने देखा है। और ये कैसे पता चला है तो यहाँ पे तुम लोगों को बता देता हूँ। क्रूसिबल है ये देखो, क्रूसिबल के हीटिंग सोर्स है ये देखो, यूरेनियम ब्लॉक 20 का मिल रहा है। मैं ये बनाने की सोच रहा हूँ बट है नहीं, ठीक है? तो जो अवेलेबल है वही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये लिया हम लोगों ने, यहाँ पे डाल दिया है और हीटिंग यहाँ पे डाल के डन। दिखेगा नहीं हम लोगों को इसमें क्या काम चल रहा है, और इसमें बेसिकली कुछ भी हम लोग ब्लॉक डाल सकते हैं बट सबसे बेस्ट रहेगा ये कॉबल स्टोन बिकॉज या ये देखो, तो कॉबल स्टोन हमारा भर गया है। एक्चुअली एक्स्ट्रा कॉबल स्टोन भी चाहिए जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे लावा जो है वो दिख रहा है, पूरा का पूरा फिलअप करेंगे। और बिकॉज ऑफ दिस यूरेनियम ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा हमारा फास्ट जो है वो काम हो रहा है, आई थिंक सो हम लोगों का भी बन भी जाएगा। या ये देखो लावा की बकेट भी आ गई है एंड यस, तो पेडस्टल अपग्रेड चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, कोई बात नहीं है। बट अभी हम लोगों को कॉबल चेन बनाना है तो उसके लिए एक बार हम लोग रेसिपी जो है वो देख लेते हैं। और ये दोनों की दोनों चीज़ें अभी हमारे पास अवेलेबल है, लावा भी मिलने वाला है, वाटर भी मिलने वाला है अभी कंटिन्यू, तो ये फट से बना सकते हैं। हम लोगों को चाहिए ग्लास, और ग्लास तुम लोगों को या सैंड है हमारे पास। चलो, तो फाइनली अभी हमारा काम जो है वो होने वाला है कंप्लीट, जेन आने वाला है, कॉबल स्टेन जेन ये भी आ गया है। और यहीं पे जाते हैं, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, यहाँ पे बनाना इजी रहेगा। यप, आ गया, प्लेस करता हूँ टिप्स। वाओ, ठीक है भाई, ब्लॉक आ गया है और इसको कलेक्ट कैसे करना है? हेलो, पता नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इतना मैंने ट्राई तो किया तो मुझे लग रहा है मुझे जेन वन का जो है वो बनाना पड़ेगा जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? दो मिनट रुको, तब तक एक काम कर लेते हैं, नेदर रैक जो बना देते हैं जिसके लिए हम लोगों को चाहिए रेडस्टोन, और रेडस्टोन जो हम लोगों को मिलने वाला है डस्ट को करने के बाद, ठीक है? तो डस्ट को सीयू से डालने के बाद मुझे मिलने वाला है ये। ओके, एक ही डालते हैं, चेक करते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वाओ, परफेक्टली एक मिला है, और इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा बैरल स्टोन का। तो यहाँ पे आया है स्टोन बैरल, बन गया भाई, फाइनली बन गया है। ओके, तो आ गया यहाँ पे, एंड इसको अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे डालते हैं, और साथ में भाई ये क्या चीज़ है भाई ये क्या चीज़ है सीरियसली। ओके, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, पता नहीं क्यों बना रहा हूँ मैं, बट फाइनली ये भी हो गया कंप्लीट। तो ये पूरा कवर हो गया है, लगभग सेंटर वाला तो कंप्लीट हो गया है, अभी चाहिए हमारा और ये क्यों नहीं बन रहा है पेडस्टल अपग्रेड, ये भी बनाना है।
कॉबल जेन फर्स्ट वाला, और ये अभी जाके बना है तो पुराना वाला निकालना पड़ेगा। एंड या अभी भी नहीं हो रहा है काम, क्यों? तो कॉबलस्टोन ऑटोमेटिक जनरेटर बनाया तो है बट काम नहीं कर रहा है। तुम लोगों को अगर पता रहेगा क्या करना है तो बता सकते हो, माझा डोका खराब झाला था मी जातो है, तुम्ही लोग सांगा तो तुम्हाला माहिती असेल, तर यानी कि तुम लोगों को अगर पता रहेगा इसको काम कैसे कराना है तो बता दो, ठीक है? सारा का सारा काम यहाँ पे चल रहा है, मस्त गोल्ड गरम हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, तुम लोग भी यहाँ पे हो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वो मेरा आवाज़ क्रैक हो गया था। चलो गाइस बाद में मिलते हैं, बाय।